नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच लगातार आपके लिए लेकर आता है अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए एक ऐसा वीडियो जिससे आपके मन मस्तिष्क में छाया हुआ अंधविश्वास और पाखंड का कोहरा साफ हो जाता है। तो साथियों, हमारे समाज में यह अंधविश्वास और पाखंड आया कहाँ से? हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड ये पौराणिक कथाएं, पौराणिक जो पुराण हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, इनके माध्यम से हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड घर कर गया। तो साथियों, अंधविश्वास और जो पाखंड हमारे समाज में घर किया हुआ है, इसको हम खत्म कैसे करेंगे, इसके लिए क्या उपाय है? तो जागो पंच लगातार इसी प्रयास में है कि हमारे समाज में ये जो अंधविश्वास और पाखंड व्याप्त है, इसे कैसे खत्म किया जाए, इसके तरीके लेकर आपके सामने आता है। आज हमारे समाज में सबसे अधिक जो जिसने अंधविश्वास और पाखंड को परोसा है, जिसने इस पाखंड को पूरा विधिवत लिखा है, जिसने इस पाखंड की संरचना की है, जिसने इस पाखंड का और अंधविश्वास का निर्माण किया है, आज वह अपने ही अंधविश्वास और पाखंड की पुस्तकों को लिखने के लपेटे में आ गया है। तो साथियों, वह लपेटे में आया है कैसे, यह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिसने अंधविश्वास और पाखंड आपके समाज में परोसा है, उसने जब लिखा था तो उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में मेरे बच्चे, मेरी औलादें क्या इसी तरह पाखंड को और अंधविश्वास को संजो पाने में, फैला पाने में समर्थ होंगी या नहीं। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनकी औलादें आज नकारा, निकम्मी और आवारा हो चुकी हैं, और जो उनकी पुस्तकें कहती हैं, जो उनके पूर्वज कहते हैं, वह भी आज खरा कुछ भी नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे, मैं ऐसा क्या लेके आया हूं कि ये अंधविश्वासी और पाखंडी खुद ही अपने लपेटे में आ गए हैं? जी हां, तो मैं एक ऐसी पुस्तक लेके आया हूं, उस पुस्तक में लिखा है कि कौन से ब्राह्मण अधम या नीच होंगे, कौन से ब्राह्मण यानी विप्र पतित होंगे, और उनकी जीवन शैली कैसी होगी, यदि उस जीवन शैली को नहीं अपनाते तो वह ब्राह्मण नहीं है, वह नीच हैं। तो साथियों, आज मैं पद्म पुराण की इस कहानी को लेके आया हूं। पद्म पुराण लिखता है, अधम ब्राह्मणों का वर्णन, पतित विप्र की कथा, यह सृष्टि खंड में है, पेज नंबर 155 पे है। तो साथियों, आप सभी इस रोचक कथा का आनंद लें, और दूसरी बात, साथ साथ इसके आप इस चीज पर ध्यान करिए और गौर करिए कि यह स्वयं अपने लपेटे में है। तो यहां पर नारद जी ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, इनकी सारी पुस्तकें इसी हैं, ये अकेले कहीं भी नहीं कोई किताब लिख पाते, कोई लेखक ये नहीं लिख पाता कि उस समय यह हुआ था। यहां पर क्या करते हैं, दो चरित्रों का निर्माण करते हैं, एक चरित्र प्रश्न पूछेगा और दूसरा उसका उत्तर देगा। तो यहां पर पहला जो चरित्र है वह नारद है। नारद कहता है, देवेश्वर आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण परिचय तो मिल गया, यानी इससे पहले जो सवाल था वह था उत्तम ब्राह्मण कौन, लेकिन यहां सवाल है कि हमारे समाज में आज अधम और नीच ब्राह्मणों की संख्या बढ़ गई है, तो हम यहां देखेंगे कि हमारे समाज के जो वर्तमान के ब्राह्मण हैं और जो ये पुस्तक लिखती है, दोनों मैच करता है कि नहीं। अगर मैच करेगा तो आज के ब्राह्मण अधम और नीच हैं, ये पुस्तक कह रही है। तो आइए चलते हैं उन अंशों पर। तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो उत्तम ब्राह्मणों का परिचय तो मिल गया, लेकिन अब जिस प्रकार मैं कर्म से अधम ब्राह्मण को भी पहचान सकूं, यह बात जी बोले, बेटा जो 10 प्रकार के स्नान, संध्योपासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इंद्रिय संयम का अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा
व्रत वेद विद्या सत्य शौच योग ज्ञान तथा अग्निहोत्र का त्यागी है वह भी ब्राह्मण में अधम है। तो यहां पर आपने देखा कौन से ब्राह्मणों का जो अधम कहा है, क्या आपको इस तरह के अब ब्राह्मण मिलते हैं? तो जो संध्या उपासन करें या व्रत वेद पूजा, और अभी नहीं, ये तो छोटी सी बात है, ये तो चलो करता हुआ मिल जाएगा, पूजा पाठ करता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि उसे समाज में ये प्रवाहित करना है। लेकिन देखिए वह भी ब्राह्मणों में अधम है जो अग्निहोत्र वगैरह का त्यागी है। तो अग्निहोत्र का त्यागी तो सभी ब्राह्मण है, इस समय जितने भी भारत में है उनमें से 95% अग्निहोत्र को त्याग चुके हैं। तो महर्षियों ने ब्राह्मणों के लिए 5 स्नान बताए हैं, अग्नेय, वारुण, ब्रह्म, वायव्य और दिव्य। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना अग्नेय स्नान है। आज संपूर्ण शरीर में कौन भस्म लगाता है, समय बदल गया है तो अब ये भस्म कोई नहीं लगाता, तो वह ब्राह्मण अधम है। तो हमारे समाज में रहने वाले जितने हैं ये सभी अधम हैं। अब आइए, जल से जो स्नान किया जाता है उसे वारुण स्नान करते हैं। आपो ही स्थाह इत्यादि ऋचाओं से जो अपने ऊपर अभिषेक किया जाता है, जो अभिषेक किया जाता है वह ब्रह्म स्नान है। शरीर पर हवा से उड़कर जो धूल यानी जो गौ के चरणों की धूल पड़ती है उसे वायव्य स्नान माना जाता है, तथा धूप होते हुए जो आकाश से जल की वर्षा होती है उससे नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। यह दिव्य स्नान क्यों कहा जाता है, धूप खिली हुई है और बरसात हो रही है इसलिए वह दिव्य स्नान है। उपर्युक्त वस्तुओं द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करने से तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, शालग्राम शिला को नहला कर जो नहलाया हुआ जल होता है, गौओं के सींग से स्पर्श किया हुआ जल, ब्राह्मण का चरणोदक तथा मुख्य गुरुजनों का चरणोदक, ये पवित्र से पवित्र माने गए हैं, ऐसा स्मृतियों का कथन है। इन 5 तरह के जलों से मस्तक पर अभिषेक करना पुनः 5 प्रकार का स्नान है। इस तरह पहले के 5 स्नानों के साथ मिलकर यह 10 प्रकार का स्नान माना गया है। त्याग, तीर्थ स्नान, यज्ञ, व्रत, होम आदि के द्वारा जो फल मिलता है वही फल धीर पुरुष उपयुक्त स्नानों से प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता, अब आप यहां ध्यान लीजिए, जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता वह पितृ घातक है, उसे नरक में जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला द्विज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मंत्र व्रत वेद विद्या उत्तम गुण यज्ञ दान आदि का त्याग कर देता है वह अधम से अधम माना जाता है और अधम से अधम है। यानी वेद कौन पढ़ रहा है, वेदों का किसी को जानकारी नहीं है। विद्या कौन सी विद्या, वो जो गुरुकुल में दी जाती है और जो समाज में व्यवहार करना था, ब्रह्मचर्य का पालन करके उसे जीवन यापन करना था, उस विद्या की बात हो रही है। आज इस विद्या की बात नहीं हो रही है कि आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया और पेट पालने के लिए चल पड़े, तो इसको विद्या नहीं कहते हैं। ब्राह्मणी शास्त्रों का जिसे ज्ञान हो जाए उसे विद्या कहते हैं। तो उस विद्या को सभी ब्राह्मण त्याग चुके हैं, तो आज सभी के सभी अधम और नीच हैं। यह पद्म पुराण कह रहा है। तो हमारे बीच बैठे हुए ब्राह्मणों को वह सम्मान, वह ये सम्मान और इज्जत पाने के हकदार हैं? नहीं है, क्योंकि वह अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को बदल चुके हैं, उन्हें मानने को तैयार नहीं है, उनकी बातें मानने को तैयार नहीं है। तो जो अपना बाप बदल दे, अपनी परिस्थितियां बदल दे, क्या हम उसे उसकी जाति का मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके संस्कार पूरे के पूरे बदल चुके हैं। और जब संस्कार बदल जाते हैं तो वह उस जात से बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि इनके ग्रंथ कह रहे हैं वह अधम और नीच है, भले ही ब्राह्मण है। तो हम अधम और नीच ब्राह्मणों का सम्मान क्यों करें, सवाल ये उठता है। तो आइए चलते हैं, मंत्र और संस्कार से हीन, शौच संयम से रहित, बलिवेद
किए बिना ही अन्न भोजन करने वाला दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकार के धर्मों से शून्य, कुमारगी, श्राद्ध आदि कर्म न करने वाले, गुरु सेवा से दूर रहने वाले, मंत्र ज्ञान से वंचित तथा धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले, ये सभी ब्राह्मण अधम से अधम हैं, यानी नीच से नीच हैं। यहां पर अधम का मतलब नीच है, और हम इस नीच शब्द को प्रयोग करेंगे तभी हमें सही में समझ में आएगा, क्योंकि अधम भाषा थोड़ी सुसंस्कारित लगती है, यह लगता है कि नहीं, ये कुछ गलत नहीं है, अधम होना कोई गलत बात नहीं है। तो आइए चलते हैं उन दुष्टों से, यहां ये भी लिख रहे हैं, देखिए, उन दुष्टों से बात भी नहीं करनी चाहिए, वे सब के सब नरकगामी होते हैं। तो आजकल के जो ब्राह्मण हैं, इन इस खाके में पूरे के पूरे सेट नहीं बैठते, वह इससे बिल्कुल अलग है। तो क्या है वह? वह दुष्ट सबके सब नरक गामी है, उनसे बात करना ही अपना आचरण दूषित होता है, अतएव अपवित्र और अपूज्य होते हैं, वह पूज्य भी नहीं होते। वह वो ब्राह्मण नहीं है कि जिनकी आप उनकी पूजा करोगे, वह पूज्य नहीं है। उनकी पूजा करने से आप कि मर्यादा भंग होती है, आपका आचरण भंग होता है, तो आप उनकी पूजा मत करिए। वो उनसे पूजा, अगर वो पूजा करने आ रहे हैं तो उनसे पूजा दान ये सब मत दीजिए, पूजा भी मत करवाइए, क्योंकि वो नरकगामी पहले से हैं। जो खुद नरकगामी हैं तो वो आपको कहाँ ले जाएगा, वो भी तो आपको नरक में ही ले जाएगा। तो यहां फिर क्या कहती है पुस्तक, इसको आप ध्यान दीजिए। तो यहां पर कहती है, जो गृह गुरु सेवा से दूर रहने वाले, मंत्र ज्ञान से वंचित तथा धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले, ये सभी ब्राह्मण अधम से अधम हैं। तो अतएव वे अपवित्र और अपूज्य होते हैं। जो द्विज तलवार से जीविका चलाते हैं, यानी जितने भी ब्राह्मण आज बॉर्डर पे गए हैं, जितने भी ब्राह्मण आज पुलिस हैं, जितने भी ब्राह्मण आज चौकीदार हैं, जितने भी ब्राह्मण आज ऐसी दुकान खोले हुए हैं जिसमें काटने पीटने का, चाकू छुरी का काम है, वह सारे के सारे अपवित्र और अधम हैं। यह पद्म पुराण बोल रहा है, यह अचल सिद्धार्थ यादव नहीं बोल रहा है, यह पद्म पुराण कह रहा है कि वह ब्राह्मण नीच हैं। तो कैसे नीच हैं यह भी बताता है, और दास वृत्ति स्वीकार करते हैं। दास वृत्ति, जैसे आज ये दास वृत्ति ही है, जैसे कोई ब्राह्मण किसी के यहां नौकरी कर रहा है, तो जो नौकरी कर रहा है वो दास ही है, क्योंकि उसके बदले उतनी देर वो सेवा दे रहा है, उसके इशारे पे नाच रहा है। तो जितने नौकरी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वह सारे के सारे, यहां पर आपको सिद्ध यह हो जाएगा कि कैसे वह नीच है, अधम है। तो यह पद्म पुराण, इनको पता नहीं था कि हम यह लिख देंगे, आगे चल के यह नजीर बन जाएगा, नहीं तो यह लिखते ना, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि भारत में एक ऐसा संविधान आएगा जिस संविधान के तहत पूरी की पूरी दिशा और दशा बदल जाएगी, और ये जो पूरा का पूरा समाज लोगों को बेवकूफ बना के अपना भोजन अर्जन करता है, केवल नहा धो लेना है और खाना दूसरा खिलाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी, खाने की चिंता नहीं करनी, दान दक्षिणा से ही पूरा जीवन चल जाएगा, इन्हें पता नहीं था कि आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी। तो यहां पर आइए फिर देखिए क्या कह रहे हैं। अभी तो इन्होंने कहा दास वृद्धि जो स्वीकार करते हैं, फिर बैलों को सवारी में जोतते हैं, यानी कि जो बैलगाड़ी वगैरह चलाते हैं, चलो ये तो अब बंद हो गया, इससे तो चलो मुक्ति हो गई, बढ़ई का काम करके जीवन निर्वाह करते हैं, यानी जो कारपेंटर का काम करते हैं, और ऋण देकर ब्याज लेते हैं, ऋण देकर जो ब्याज ब्राह्मण लेते हैं, ये भी अधम और नीच हैं। तो आज ये बहुतायत संख्या में मिल जाएंगे। तो हम इन्हें ब्राह्मण ना समझें, इनसे यदि हम ब्राह्मण समझ के इनका सम्मान करते हैं, इनको चरण स्पर्श करते हैं, इनका इज्जत करते हैं, इनको दान दक्षिणा देते हैं, तो आप ये समझिए कि आप एक अधम और नीच को दे रहे हैं। आपका ये दान और धन दिया हुआ, यह आपके पुण्य में नहीं जुड़ेगा, यह आपको
अपकारित करेगा, इससे आपका आचरण भी दूषित होगा और आपके धन का भी नुकसान होगा। तो आइए चलते हैं, फिर ये क्या कह रहे हैं, बालिका और बेस्याओं के साथ व्यभिचार करते, चंडालों के आश्रय में रहते। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरों के उपकार को नहीं मानते, गुरु की हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने गए हैं। इनके सिवा दूसरे जो भी आचारहीन पाखंडी धर्म की निंदा करने वाले तथा भिन्न भिन्न देवताओं पर दोषारोपण करने वाले, वे सभी द्विज जो द्विज हैं, ब्रह्मद्रोही हैं। समझ गए नारद? यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद आपके समझ में आया? तो कह रहे हैं, अधम होने पर भी ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको मारने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो आप सभी यहां पर ये गौर करिए कि कैसे दो ब्राह्मण आपस में बात कर रहे हैं। नारद जो है वो भी ब्राह्मण है, ब्रह्मा जो है वो भी ब्राह्मण है। तो यहां पर ब्रह्मा कह रहे हैं कि ब्राह्मण चाहे कितना भी नीच हो जाए, अधम से अधम हो जाए, उसका वध नहीं करना चाहिए, यानी उसको बचा रहे हैं। यानी अपने को ही तो व्यक्ति बचाएगा, अपनी ही जाति का लोग संरक्षण करेंगे, और जो दूसरा रहेगा, जो अपने से ना उत्पन्न हो, अपने से ना संबंधित हो, उसके लिए किसी के मन में हृदय में दया प्रेम सद्भाव वात्सल्य प्रेम नहीं होता। तो हमारे समाज में शूद्रों को दंड देने के लिए बहुत से कठिन प्राविधान हैं। यहां पर अधम से अधम, नीच से नीच, एक तरफ तो कह रहे हैं कि वह नीच है, सबसे पाप श्रेणी का नीच अधम माना जा रहा है, दूसरी तरफ उसे उसकी हत्या भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ शूद्र जो है, इस तरह का अगर अधम हो जाता है, वह ब्राह्मण की निंदा करने का पाप करता है, तो उसे सजा देने का प्रावधान है। और यहां वह अधम का अधम, यानी अधम से अधम, नीच से नीच हो गया है, तब भी उसे किसी प्रकार कुछ कहना नहीं है। तो इस तरह इन नारद और ब्रह्मा की यह वार्तालाप चलती है, और यहां पर दो ब्राह्मण आपस में बात करके समाज को यह संदेश दे देते हैं कि ब्राह्मण चाहे कितना भी अधम हो, नीच हो, उसको मारना ब्रह्म हत्या के बराबर है। चलिए हम नहीं मारते, लेकिन इनका क्या किया जाए जो आज पूरे पूरे 100% हमारे देश में अधम और नीच हो गए हैं। किसी को वेदों का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, किसी को सारे पुराणों का ज्ञान नहीं है, आज विद्या इनके पास रही नहीं, आज ये भिक्षा शिक्षा पर जीवन यापन करते नहीं, आज जूते की दुकान खोले हैं, पान की दुकान खोले हैं, सफाई कर्मचारी बने हैं, और सारे जितने गवर्नमेंट विभाग हैं उनमें कब्जा करके बैठे हैं, तो और जो फौज में गए हुए हैं, यह सभी पद्म पुराण के हिसाब से अधम और नीच हैं। ऐसे नीचों को आप दान ज्ञान और किसी प्रकार का धन और इनको किसी प्रकार की सम्मान ये पाने के हकदार नहीं हैं, यह पद्म पुराण कहता है। हम उसको मारेंगे नहीं, चलिए ठीक है, ब्रह्मा की बात मान लेते हैं, ब्रह्मा को थोड़ी इज्जत दे दीजिए, इनको मारिए नहीं, लेकिन इनका दान दक्षिणा, इनकी पुरोहित गिरी, इनसे आप अगर भगवान की पूजा भी करवा लोगे तो वह भी महापाप होगा। तो ऐसे महापाप से बचने के लिए आप इन सब से दूरी बनाइए, और जब तक दूरी नहीं बनाएंगे, ये क्या करेंगे, आपकी दां आपकी जेब पर निगाह रखेंगे, आप उन्नति तरक्की कर रहे होंगे, आपके उन्नति और तरक्की में बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि अधम और ये नीच हैं, ये आपकी उन्नति नहीं सोच सकते, क्योंकि ये सारे अपने पूरे के पूरे धर्म को, पूरे पूरे अपने धार्मिक आचरण को जब ये त्याग सकते हैं, तो आप किस खेत की मूली गाजर हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत सारी विषमता बो सकते हैं। तो साथियों, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा कि ब्राह्मण अधम और नीच कैसे होता है,
यह अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें और जो नए साथी आए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। हाँ, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें जिससे हमारा वीडियो आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा, बने रहिए जागो पंच के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम जी।